हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मोबाइल से संबल कार्ड बनाकर बताता हूँ, जिसे आप भी वीडियो देखकर बना सकते हो। ना ही आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत, ना ही अपने पंजाब में जाने की ज़रूरत। आप अपने घर बैठे संबल कार्ड अपना खुद आवेदन कर सकते हो और बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है संबल डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये टाइप करने के बाद आप सर्च बार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट देखेंगे जहाँ से आप प्रधानमंत्री जल कल्याण संबल 2.0 योजना क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हो, और इसका लाभ क्या क्या है ये सारी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको लाल अक्षर में एक एरो दिख रहा है कोने में, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर देना है। इससे आपको जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर में साइट चलती है ऐसे आपके फ़ोन में भी चले गए। चलिए मैं डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप सबसे ऊपर कोने में नीला अक्षर में लिख रखा है पंजीयन हेतु आवेदन करें, सिंपल सी इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, समग्र आईडी और परिवार आईडी। सिंपल से आपको समग्र आईडी डाल देना है, जिस भी सदस्य का संबल कार्ड बनाना है उसकी, और उसके परिवार की आईडी डाल लेना है। आपको पता नहीं है परिवार आईडी कौन सी है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो और पता कर सकते हो कैसे निकाले परिवार आईडी। चलिए मैं यहाँ अपने सदस्य आईडी डाल लेता हूँ। डालने के बाद परिवार आईडी डाल लेता हूँ। डालने के बाद समग्र खोजे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी आपका आधार से जो भी आपका बायोडाटा है वो पूरा आ जाएगा, यहाँ से आप अपना देख सकते हो। उसके बाद अन्य विवरण, यहाँ पे आपको आवेदन का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे असंगठित श्रमिक सिलेक्ट कर लेना है, और शिक्षा आपने कहाँ तक पढ़े कर रखी है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अनपढ़ है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद है नियोजन वैसा ही चुने, यहाँ पे आपका जो भी वैसा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। कृषि में नियोजन जिससे सम्मिलित हैं उद्यानिकी तथा कृषि प्रशिक्षण, ये मतलब कृषि से संबंधित है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप इसमें से कौन सा भी हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए वरना नो ही रहने दीजिए। चलिए मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर डाल लेना है। क्या आयकर दाता है, यहाँ पे आप इसको नहीं सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास एक हेक्टर से अधिक कृषि भूमि है, यदि है तो आप हाँ कीजिए वरना इसको नो कीजिए, नहीं कीजिए। क्या आप या आपकी पति पत्नी शासकीय सेवाओं में सम्मिलित, यानी आप गवर्नमेंट जॉब में है तो हाँ कीजिए वरना नहीं कीजिए। चलिए मैं नहीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके परिवार के जितने भी सदस्य उन सब की यहाँ पे समग्र आईडी आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे इनको राइट क्लिक करना है। मैं घोषणा करती हूँ कि असंगठित क्षेत्र में उपयुक्त उल्लेखित प्रकार से नियोजन हो, इसको राइट कीजिए। तीनों को
आप पढ़कर राइट क्लिक कर लीजिए। मैं शब्द पूर्वक कथन करता करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सही है। ये तीनों कैप्चा को राइट क्लिक करके या आप यहाँ से इनको पढ़ भी सकते हैं, और इनको राइट करके एक ऑप्शन आएगा नीचे, आवेदन संरक्षित करें, सीधा अपने को इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सक्सेस यानी सफलतापूर्वक चला गया। जन कल्याण योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया। आपका आवेदन क्रमांक है यहाँ पर लोकल बॉडी नाम जनपद पंचायत रतलाम, यदि एप्लीकेशन यूज़र को सेंड कर दिया गया यानी आपके जो भी नज़दीक पंचायत है ये आवेदन उनको सेंड कर दिया गया है, और वो अब इनको अप्रूवल करके आप अपना यहाँ से संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओके कीजिए। अब अपन यहाँ से देख सकते हैं आप अपने आवेदन की स्थिति क्या है। ये यहाँ से लोकल बॉडी में जाएगा रतलाम, वो वहाँ से अप्रूवल कर देगा तो अपन संबल कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उसके लिए चलो आवेदन की स्थिति कैसे देखें उसके लिए एक वीडियो में बना दूंगा, या मैं इसी में बता देता हूँ आपको। एक कोने में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा थ्री डॉट लाइन, यहाँ पे क्लिक करना है अपने को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चलिए ठीक है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह।